Subscribe under 24/7 and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर इस सेशन में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज कैसा रहेगा सेशन में आप सभी को बता देता हूँ, बहुत कुछ शानदार रहेगा। कल के ही सेशन की बात करें तो दोस्त आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन बहुत देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जिसमें कि आप लोगों ने एक्सेप्ट किया कि सर ये बहुत बेहतरीन है और भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर सभी को भाई एक चीज़ बता देता हूँ स्टार्टिंग में क्या डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे उन चंद एमसीक्यूज का जो कि लास्ट सेशन में हमने न्यूज़ फॉर्म में डिस्कस किए थे। देन फिर बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और आपको तो पता है यार, दो इस स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी में किसके पास पार्टी कितनी सीटें गई हैं वो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। स्टेट ऑफ द डे आपको नया स्टेट देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं वन बाई वन यहाँ पर कवर अप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन 2019 की बात कर लेते हैं और कल की ही बात करें, कल काउंटिंग रही थी। एक महाराष्ट्र की बात करते हैं और दूसरी यहां पर हरियाणा की बात करते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों पर भैया चुनाव लड़ा गया था जिसमें कि बीजेपी ने कुल मिलाकर 105 सीट जीती हैं। तो भाई 105 सीटें किसके नाम रही हैं? बीजेपी के नाम रही। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन गई? बीजेपी। हरियाणा की बात करो, सेम कंडीशन यहां पर है। हरियाणा में तो मेजॉरिटी यहां पर नहीं मिली है बीजेपी को, बट देखते हैं, लेट्स सी। हमेशा है वो कुछ ना कुछ तो यहां पर ताबड़तोड़ करेंगे। डेफिनेटली मेरे भाई वो भी यहां पर सरकार बना ही लेंगे, जैसा उनके कैलिबर को देख के पता लगता है। यहां पर सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। मेरे भाई याद रखनी है आपको कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ये मेरे भाई बिना हड्डी की जवान होती है, किसी के सामने भी बोलते रहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जब आप कुछ बन जाते हैं और कुछ कहते हैं तो शायद आपके शब्दों की कीमत होती है, और आप अगर कुछ नहीं और आप बहुत बेहतरीन बात करें फिर भी लोग आपके शब्दों को, आपकी बातों को इतनी वेटेज नहीं देते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करिए और डेफिनेटली देखिएगा लोगों की राय और लोगों की सोच आपके लिए बदलेगी और दुनिया बदलेगी डेफिनेटली। तो बड़ा शानदार ये लिखी हुई थी कहावत कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी ना कि आपकी राय से। तो एग्जाम्पल सेट करिए, डेफिनेटली देखिएगा लोग चेंज होंगे। इसके अलावा बात करते कुछ कमेंट्स रहे थे। एक विश्व मोहन जहां ने बहुत यहां पर शानदार कमेंट किया और उसके बाद जो मैंने 5 सवाल पूछे थे उसके आंसर भी यहां पर किए थे। ऐसे रूपा जायसवाल हैं, इन्होंने भी कमेंट किया। इसी तरीके से गाइस करते रहा करिए अपने वैल्यूएबल कमेंट और मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सबसे पहले जो 5 सवाल मैंने कल आपसे पूछे थे उनके जवाब देखते हैं। विद विच नीति आयोग हैज पार्टनर टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर, आंसर बनता है व्हाट्सएप। सवाल यहां पर यह बनता है कि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर मेरे भाई व्हाट्सएप। किस स्टेट ने सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में टॉप किया? तो आंसर बनता है गुजरात। सभी ने आंसर किया था इसका। किसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटेशन कम रिहैबिलिटेशन पवेलियन का नेशनल बाल भवन नई दिल्ली में इनॉग्रेशन किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। ये एचआरडी मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तराखंड के हरिद्वार से यह लोकसभा सांसद भी हैं। अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में आईबीपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में यही सवाल पूछा गया था, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का नाम क्या जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुवीर विठल गोखन इनका नाम है, सुवीर विठल गोखन इनका नाम है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने यहां पर एक अप्रूवल दी है, अप्रूव किया है कि इसरो टेक्निकल लियासन यूनिट को सेटअप किया जाएगा। सवाल यह है कि ये यूनिट कहां पर बनेगी? तो मेरे दोस्त आंसर बनता है ये रशिया के मॉस्को में सेटअप की जाएगी। कहां पर? रशिया के मॉस्को में। तो ये रहे 5 सवाल। अगले 5 सवाल मेरे दोस्त ये देखिएगा। सबसे पहला है, ये कल का होमवर्क रहेगा, ठीक है। सबसे पहले है मेरे भाई डिंडीगुल लॉक एंड कंदांगी सारी ऑफ विच स्टेट वर गिवन दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा है, हु लॉन्च दी स्कूल एजुकेशन सगुन पोर्टल, किसके द्वारा नई दिल्ली में सगुन पोर्टल लॉन्च किया गया था?
हाउ मच अमाउंट हैज बीन रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर अफोरेस्टेशन ऑफ वेरियस स्टेट इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे विल बी ओपन एंड विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट. ये आज के 5 सवाल हैं, इनका जवाब दीजिएगा. जब नेक्स्ट मुलाकात होगी उस दौरान हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब बढ़ते हैं आज का पहला सवाल. सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन को लागू करने को लेके एक नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच मतभेदों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है. सवाल यह, समिति का अध्यक्ष कौन होगा? गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ कमिटी टू रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर हु विल इंप्लीमेंट इट्स एम्बिशियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन हु विल बी द चेयरमैन. आंसर बनता है के विजय राघवन इसके चेयरमैन रहेंगे. नीति आयोग रिलेटेड मैंने एक फैक्ट आपको बताया था. सीईओ का नाम है अमिताभ कांत. सीईओ का नाम क्या है मेरे भाई? अमिताभ कांत इनका नाम है. और वाइस चेयरमैन है इसके राजीव कुमार. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये रवि शंकर प्रसाद साहब के पास है. इनके पास लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, प्लस मेरे भाई कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है. तीन मंत्रालय देख रहे हैं. पटना साहिब बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, इसे याद रखना. कुछ मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कल भी बताया था कि एआई बेस्ड जो गूगल रिसर्च इंडिया लैब है वो बेंगलुरु में ओपन की जाएगी. गूगल ने फर्स्ट अफ्रीकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर घाना की कैपिटल अकरा में ओपन किया है. घाना की कैपिटल अकरा है, करेंसी यहां सेडी चलती है. तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2020 को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर मनाएगा. तेलंगाना रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखना है, यहाँ की गवर्नर का नाम क्या है मेरे भाई? तो तमिले सही सौंदराजन यहाँ की गवर्नर है और ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर है यहाँ की, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. अमराबाद टाइगर रिजर्व वो इसी राज्य में, और रीसेंट एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया था. नीति आयोग ने अभी अपना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 लॉन्च किया है जिसमें कि कर्नाटक ने टॉप किया था, और यूटीज के मामले में बात करते हैं तो दिल्ली ने टॉप किया था. किसने? दिल्ली ने टॉप किया था. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल बैजाल. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है डी एन पटेल. और दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट रहने के लिए एक एप्लीकेशन एके को लॉन्च किया है. दिल्ली रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखना है, दिल्ली ने कहा है कि वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा. ठीक है, असब ने भी कहा है यहां पर कि वो एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी सेटअप करेगा. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, इन विच कंट्री स्पाइस जेट विल ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल हब? किस देश में स्पाइस जेट अपना पहला अंतरराष्ट्रीय हब खोलेगी? आंसर बनता है यह मेरे भाई यूएई में ओपन करेगी. यूएई की कैपिटल सर अबू धाबी है और करेंसी यहां पर दिरहम चलती है. कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी यहां दिनार चलती है. ओमान की कैपिटल मस्कट है, करेंसी यहां रियल चलती है. इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा है, करेंसी यहां बिर चलती है. बिर अभी अहमद अली यहीं के भैया प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया. किसमें? पीस में. सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी यहां रियाल चलती है. मोदी जी यहीं पर विजिट पर जाने वाले हैं, मंडे से विजिट पर जाएंगे, उसमें भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या क्या सारी चीजें हैं. कुछ और पॉइंट जरा इन पर फोकस करिएगा, जरा ध्यान रखना. इसरो यूएई को हेल्प करेगा. किस चीज के लिए? उसके फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट होप प्रोब को लॉन्च करने के लिए. दूसरा सवाल यहां पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनको ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया, जो कि यूएई का हाईएस्ट ऑनर है. यह भी सभी को पता होना चाहिए मेरे भाई. यूएई में क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक पोस्टेज स्टैंप को रिलीज किया और ये रुपए कार्ड लॉन्च किए थे यूएई में जब गए थे. सऊदी अरब में जा रहे, यहां पर भी ये रुपए कार्ड को लॉन्च करने वाले हैं. एक समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो डिटेल में अभी आगे न्यूज में बताऊंगा. इसके अलावा पवन कुमार यूएई में एंबेसडर बने, भारत के राजदूत बने हैं. पीयूष गोयल हैं, इन्होंने 7th इंडिया यूएई हाई लेवल जो टास्क फोर्स मीटिंग रही थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसमें पार्टिसिपेट किया था. पीयूष गोयल वैसे तो रेलवे मंत्रालय देख रहे हैं और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं. राज्यसभा सांसद हैं ये मेरे भाई महाराष्ट्र से. अभी चुनाव हुए तो महाराष्ट्र को रट लेना. यहां के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी यहां के गवर्नर हैं. महाराष्ट्र रिलेटेड एक फैक्ट और आता है, गोदावरी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ ये बनाए, गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपार्ट फ्रॉम स्पाइस जेट जो है फर्स्ट इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन है जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदस्य बन गया है और IATA का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडू। कनाडा की कैपिटल क्या है? सर ओटावा है। करेंसी यहां पर डॉलर चलती है, डॉलर यहां पर मेरे भाई मुद्रा चलती है। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड ऑन टॉप इन क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? सवाल यह है कौन सा संस्थान क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा है, सबसे टॉप पर रहा? तो अपना आंसर बनेगा यहां पर मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, IIT बॉम्बे यहां पर टॉप पर रहा था। कौन सा इंस्टीट्यूट? IIT बॉम्बे। सर एक चीज और बताइए, यहां पर देखिए बॉम्बे आया ना, न्यूज से पहले मेरे दिमाग में और कुछ हिट कर गया, सर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? प्रदीप नंद राजोग, याद रखना मेरे भाई। इसके अलावा HRD मिनिस्ट्री है, इसने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंट स्टेटस दिया है 5 पब्लिक इंस्टीट्यूशन को। पर्पस क्या है देखिए, अपने यहां पर जब कभी भी बात आती है ना कि भाई जब कभी भी रैंकिंग रिलीज की जाती है ग्लोबली, तो टॉप 200 में अपनी यूनिवर्सिटीज दिखती है? नहीं दिखती है भाई, देखने को ही नहीं मिलती। बहुत दूर दूर तक 300 से 350 की स्लैब में दिख रही है, इस तरीके से देखने को मिलती है। तो कहा गया कि भाई हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को टॉप पर लेकर आना है, तो भैया यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से यूनिवर्सिटीज को चुना जाएगा और उन्हें एमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। कहने का मतलब जिनको एमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा उनको वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी यहां पर दी जाएंगी, या वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जितनी भी सुविधा दी जा सकती है वो दी यहां पर जाएंगी। IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, इसे भी मेरे भाई आपको याद रखना है। ठीक है सर, चैट रुक क्यों रहा है? हो सकता है यार दोस्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अदरवाइज चैट तो यहां पर ओपन चल रहा है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कंट्री की फर्स्ट सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में ओपन की जाएगी, असम गवर्नमेंट इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाएगा दरंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसे रट लेना। और असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी है। IIT रूपर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ये पहले नंबर पर रहा है इंडिया में, इंडिया के अगर 56 इंडियन इंस्टीट्यूट को देखते हैं तो ये टॉप पर रहा। और बेसिकली ये जो रैंकिंग रिलीज की गई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 ये है, ये इसको टॉप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट ने और इसे पब्लिश किया था टाइम हायर एजुकेशन ने। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 को टॉप किसने किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसे टॉप किया गया था। नेक्स्ट मेरे भाई, विच डे, देखो सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस भी करते चलेगा मेरे दोस्त, सेशन पसंद आ रहा ना तो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज लाइक बटन पे भी मेरे भाई प्रेस करते चलना। किस दिन को इंटरनेशनल सिनो लियोपार्ड डे के रूप में मनाया गया? कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया गया? सर 15 अक्टूबर देखिए, सर वर्ल्ड स्टूडेंट डे आता है, ये पता सभी को। सर इसी दिन हम एक और डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। 20 अक्टूबर को कौन सा डे आता है? सर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। इंटरनेशनल डे ऑफ एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एक एक करके पांचों के पांचों ऑप्शन के साथ देखते हैं जरा। सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे ये कब मनाया गया? सर ये 23 अक्टूबर को मनाया गया था। पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को, देखिए सारे के सारे डे इंग्लिश में भी हिंदी में भी। 21 अक्टूबर को हमने बनाया नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे या राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन या वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस या विश्व विद्यार्थी दिवस। 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक डे और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। और मेरे भाई 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तो रटा हुआ होना चाहिए मेरे भाई टिप्स पे। अगला सवाल, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया? यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी और इसी दिन हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक और चीज याद रखनी, कुल मिलाकर 193 कंट्रीज की मेंबर है, जिसमें कि साउथ सूडान इसका लास्ट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटरस है और जो कि पुर्तगाल से आते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। इसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम है अमीना जे मोहम्मद एंड शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, ये नाइजीरिया से है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, करेंसी यहां नायरा चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखिए ये तो रहा भैया 24 अक्टूबर वाला अपना आंसर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे याद है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, तो इसी दिन हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का नाम है क्यू डोंगयू, रिसेंटली बने और ये चाइना से हैं। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 13 अक्टूबर को सर कौन सा डे आता है? सर इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यही तो हमने डे देखा था। सर 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे
और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मेरे भाई नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये आपका 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 24 जनवरी को। ये आपको सारे के सारे मैं दिखा देता हूं, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर का है मेरे भाई, और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, यहां तक सभी के क्लियर होगा। यार चैट वेट तो सब सही चल रहा है यहां पर, मैं देख पा रहा हूं यहां पर आशीष कुमार हैं, मंगेश कुमार हैं, यहां पर ईशानी हैं, ठीक है सभी का। यार ये टेक्निकल टीम यार जरा कमेंट को भी रिफ्रेश करिएगा, फटाफट से जरा कमेंट को रिफ्रेश करना मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो अपना आंसर बनता है ये भी मेरे भाई, अब यहां पर गलत आंसर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बनेगा, ये भी 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, इस दिन कौन से दिन आते हैं देखना। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन ये मेरे भाई 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे या विश्व विकास सूचना दिवस, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हटा हुआ होगा 2 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे और वर्ल्ड हैबिटेट डे भी 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ऑब्जर्व किया जाता है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। इसके अलावा नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्ट डे ये 9 अक्टूबर को आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर गूगल पे 10 दिखा 10 दिखा, मेरे भाई 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे या नेशनल पोस्टल डे इसी को एक्सटेंड किया जाता है, एज अ नेशनल पोस्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये भी आपका 10 अक्टूबर को आता है। वर्ल्ड साइट डे ये आता नहीं है, ये पड़ जाता है, कैसे, वर्ल्ड साइट डे सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस बार कब रहा था ये, इस बार ये मेरे भाई 10 अक्टूबर को रहा था, इसे भी आपको याद रखना है। आई होप सो यार अब तो कमेंट वगैरह सब चल रहे होंगे प्रॉपर, तो फटाफट से लाइक बटन पर प्रेस भी करते चलो, जितने स्टूडेंट देखना फटाफट मेरे भाई लाइक ठोको, सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक ठोको मेरे भाई। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द 2019 1,000,000 बर्गेरियन प्राइज फॉर फिलोसफी एंड कल्चर, दर्शन और संस्कृति के लिए 2019 1,000,000 वर्गेरियन पुरस्कार किसने जीता है, आंसर बनता है मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर, यहां पर यार भी गलत आंसर लगा हुआ है, यहां अपना आंसर बनेगा रूथ बैडर जिन्सबर्ग, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 होगा, रूथ बैडर जिन्सबर्ग के द्वारा यह अवार्ड जीता गया। अब करेन ओलेनबेक ने एबल प्राइज जीता है, ये अमेरिका से है, ठीक है। इसके अलावा जोका अलार्टी, बर्नार्डिड एवरिस्टो और मार्गरेट एटवुड, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है मेरे भाई, ये आपको मैं दिखा देता हूं। करेन ओलेनबेक ये इन्होंने एबल प्राइज जीता जो कि अमेरिका से हैं, रूथ बडर गिन्सबर्ग ने बर्गेरियन प्राइज जीता है और इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, फिलोसफी का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मैन बुकर प्राइज 2 लोगों को दिया है इस साल, एक दिया है मार्गरेट एटवुड को द टेस्टामेंट नोवेल के लिए और ये कैनेडियन है, और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया है गर्ल वुमेन और अदर के लिए जो कि यूके से हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये जोका अलाहार्ती के नाम के सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, किसके लिए, बुक के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, जोका अलाहार्ती के नाम, और ये ओमान की है, ओमान कैपिटल मस्कट है, करेंसी रियल है, यूके की कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, यूके फर्स्ट कंट्री है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, यूके की जो कैपिटल लंदन है ये इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी है यूके में। अभी आपको चलो आगे मैं बता दूंगा, एक और एडिशनल पॉइंट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे, तो वो यूके में ही रहने वाले हैं, ठीक है। कनाडा की कैपिटल ओटवा, करेंसी डॉलर है, IATA का हेडक्वार्टर भी आपका कनाडा में है, और कहां पर है ये मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए मैं ही बता दूं, मॉन्ट्रियल में, कहां पर, मॉन्ट्रियल में। आपने वाडा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अलावा एक नाडा है जिसके दायरे में बीसीसीआई आ गया है। बीसीसीआई के 39वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो सौरव गांगुली बने हैं, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, नाडा का न्यू दिल्ली है, और वाडा का मॉन्ट्रियल कनाडा है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट, हु विल बी ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी विद द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड, किसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बच्चों का कहना था सर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये करंट अफेयर जो है बैंक
एसएससी रेलवे स्टेट लेवल एग्जाम, मेरे भाई कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, यूपीएससी या स्टेट लेवल, मेरे दोस्त कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑप्शन के साथ डिटेल में प्रीवियस न्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं। सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक भी करते चलिएगा। किसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर बनता है अभिजीत विनायक बनर्जी को। किसको अभिजीत विनायक बनर्जी को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। अब ये है कौन, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है मेरे भाई, किसका, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज इनको दिया गया। अब पायल जांगिड़, निर्मला सीतारमन, सुब्रमण्यम जयशंकर और नवदीप सिंह पुरी, इनको भी किसी सम्मान से सम्मानित किया गया, वो सम्मान देखते हैं। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवार्ड दिया है अभिजीत विनायक बनर्जी को, ऐसे ही जहां से इन्होंने पढ़ाई की थी, तो पूर्व छात्र पुरस्कार दिया गया है अभिजीत विनायक बनर्जी को। पूर्व छात्र पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और जो हमारे विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, इनको सम्मानित किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद सेकंड अवार्ड से नवदीप सिंह पुरी को सम्मानित किया था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, रट लेना। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने चेंज मेकर अवार्ड 2019 जीता था, कहां पर, गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में, तो इनका नाम है मेरे भाई पायल जांगीर, ठीक है। चेंज मेकर अवार्ड 2019 किनको सम्मानित किया गया, पायल जांगीर को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक सभी का क्लियर होना चाहिए। चल तो रहा कुमार कौशल मेरे भाई, कमेंट बॉक्स चल तो रहा है, यहां पर चल रहा है प्रॉपर। स्टडी हार्ड अनुप्रिया सिंह एंड रॉबिन चौधरी, रिंकी कुमारी, लितु रानी, यहां पर मोहंती, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। सरकार ने घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों MTNL और BSNL का विलय करने का फैसला किया है। BSNL का मुख्यालय कहां पर है? गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज लॉस मेकिंग टेलीकॉम फर्म MTNL एंड BSNL, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BSNL? आंसर बनता है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब पांच शहर देखिए, जैसलमेर, पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, ये क्यों न्यूज में रहा? अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे असम का गुवाहाटी क्यों न्यूज में रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का एडिशन यहीं पर किया जाएगा, 2020 का एडिशन, याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का एडिशन कहां पर रहेगा, ये वाला जो संस्करण होगा, ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। किस देश की सेना की टीम ने बड़े पैमाने पर जैसलमेर सैन्य स्टेशन में आयोजित 5वीं सैन्य अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता जीती? तो वो अपना प्यारा भारत है जिसने जीती थी। मुंबई क्यों न्यूज में रहा, इस वजह से मैंने कुछ इससे रिलेटेड न्यूज रख दी है। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हैं, इन्होंने आधारशिला रखी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की। महेंद्रनाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर है, प्लस चंदौली, हाँ चंदौली उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन INS खंडारी को राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन मुंबई में ही किया गया। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, और याद रखना लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। रवि शंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, और मेरे भाई एक और मिनिस्ट्री देख रहे थे, ये लॉ एंड जस्टिस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। रविशंकर प्रसाद इन्होंने लॉन्च किया मैरिटाइम कम्युनिकेशन सर्विसेज को, कहां पर, मुंबई में, और पटना साहिब बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है। फिफ्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी कहां पर हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। 20th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड ये भी मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा, और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन्होंने जो बंकर म्यूजियम है, अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम है, इसको मुंबई महाराष्ट्र में ही इनॉग्रेट किया है। गाइस सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फटाफट से। यहां तक सभी का क्लियर होना चाहिए, जितना डिस्कस किया है एक एक चीज डिटेल में एनालिसिस की जा रही है। सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने संघाई में वुशु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? Who has won a gold medal in वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप इन संघाई? तो दोस्त आंसर बनता है यहां पर प्रवीण कुमार, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, इतिहास रच दिया, और ये पहले पर्सन बने जिन्होंने कि चाइनीज मार्शल आर्ट वुशु में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। पूनम इन्होंने भी मेडल जीता, संतोई देवी, और इसके अलावा विक्रांत बलियान। अब ये सभी पूछे जा सकते हैं किस खेल से संबंधित, तो ये वुशु से संबंधित है। संघाई इज बेसिकली हेडक्वार्टर, ये संघाई में हेडक्वार्टर किसका है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका चाइना के संघाई में है, ठीक है, चाइना के संघाई में। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करने वाले चाय जनजाति समुदायों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी स्टडिंग इन 10th एंड 12th क्लास। तो दोस्त आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, ये असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, असम राज्य सरकार के द्वारा। अब इसके अलावा बाकी के ऑप्शन, असम सरकार ने और क्या क्या किया है,
गौर फरमाइएगा, मेघालय सबसे पहला ऑप्शन अपना मेघालय है, मैत्री 2019 इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्साइज है और ये मेघालय के कहां पर हुई है मेरे भाई, उमरोई में हुई है, इसे फोकस करिएगा। 11th इंटरनेशनल हेरेंट डिंक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, एग्नेस खारिशिंग को, और ये कहां से रहे, मेघालय से ये रहे थे। 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ये भी आपकी मेघालय में आयोजित की गई थी। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को मेघालय के रिभोई डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया था। अब टेक्सटाइल की बात हुई तो टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम क्या, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर का नाम क्या है, तो इनका नाम है स्मृति ईरानी इनका नाम है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर यहां पर करिएगा, ठीक है। आंसर नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, सिक्किम है इसने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की है, प्रेम सिंह तमंग यहां के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद यहां के गवर्नर हैं। मणिपुर स्टेट की बात करते हैं, 25th जो सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप रही, 20वीं बार ये मणिपुर ने जीत ली है, 20 टाइम मणिपुर ने जीत ली है। स्कूल फग दावा इसकी मणिपुर राज्य सरकार की है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के मामले में देश में मणिपुर ने टॉप किया था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। स्कूल फग दावा इसकी मणिपुर की है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के मामले में मणिपुर ने टॉप किया। वैलेंटीना एलंगबाम इनको ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया मणिपुर के द्वारा इनको ग्रीन एम्बेसडर यहां पर बनाया गया है। ओके, बहुत बढ़िया। अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन का क्षेत्र बनता है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। असम स्टेट गवर्नमेंट ने अपोन घर स्कीम लॉन्च की है। कैन एंड बंबू टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये असम के बर्नी हाट में इनॉग्रेट किया गया था, असम के बर्नी हाट में। इसके अलावा नागालैंड रिलेटेड याद रखना है कि जो जिंजर होता है ना, अदरक है, उसकी दो नई प्रजातियां, दो कह सकते हैं स्पीसीज को फाउंड किया गया नागालैंड में। तो पूछा जा सकता है कि जो अदरक है उसकी दो नई स्पीसीज को कहां पर फाउंड किया गया, तो ये नागालैंड में इसे फाउंड किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, दो बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं, क्या बात है। असम सरकार ने एक लॉन्च किया है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। असम में पॉबी तोरा, बूरा चपोली, चक्रशिला, लाव खोबा, ये सारी गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और काजीरंगा, मानस, नामेरी, दिब्रू, साइखोबा, ये नेशनल पार्क है। कामाख्या टेम्पल, सुक्रेश्वर टेम्पल इसी राज्य में है, और जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, वो भी आपका इसी राज्य में है। कहां पर लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो, अगर देखिए सवाल आता है कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ठीक है, तो मेरे भाई उस में तो वो आपको आंसर करना है कहां पर है। क्या इसका नाम ग्रीनलैंड है जिसको यूएसए खरीदने जा रहा था, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ ये पड़ता है, किस तरफ है मेरे भाई, ये आपको आंसर करना है। एक कह सकते हैं मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम का पार्ट बन सकता है। और माजुली एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, रिवर में सबसे बड़ा आइलैंड, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी पे या ब्रह्मपुत्र नदी में, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विद विच कंट्री यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, देखो इसे भी इंटरेस्टिंग है, यहां पर एक एक ऑप्शन से बहुत खिलवाड़ करने वाले हैं। विद विच कंट्री यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अकाउंटिंग फाइनेंशियल ऑडिट नॉलेज बेस। मैंने कल आपको बताया था इंडिया ने किस देश के साथ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और नॉलेज ऑडिट बेस को मजबूत करने के लिए, ऑडिट नॉलेज बेस को मजबूत करने के लिए एक MOU किया है। तो आंसर बनता है सर ये MOU रहा था कुवैत के साथ। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। अब बाकी के देश क्यों न्यूज में रहे वो देखना जरा। श्रीलंका, इट विल वेव एंट्री वीजा फी फॉर इंडिया, ये क्या करेगा, जो वीजा फी लगती है वो भारत के लिए खत्म कर देगा। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्ड हाई लेवल मीटिंग विद श्रीलंकन कोस्ट गार्ड इन न्यू दिल्ली। जो इंडिया का कोस्ट गार्ड है, श्रीलंका का कोस्ट गार्ड है, उनके बीच में जो अभी मीटिंग रही थी वो नई दिल्ली में रही। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल बने उनका नाम के नटराजन। साउथ एशिया का टॉलेस्ट टावर इसका नाम है लोटस टावर, ये श्रीलंका में ही ओपन किया गया है। कुवैत क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि अकाउंटिंग फाइनेंशियल और ऑडिट नॉलेज बेस के रिगार्डिंग भारत ने इसके साथ समझौता किया। नेपाल क्यों न्यूज में रहा था, गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में रहेगा, जहां तक मुझे याद है ये दिसंबर में होगा, और इसमें पार्टनर कंट्री के तौर पर नेपाल पार्टिसिपेट करेगा। बड़ा दासीन जो कि बिगेस्ट फेस्टिवल है नेपाल का, वो भी कभी हाल ही में हुआ था कहां पर, नेपाल में, ठीक है। नीदरलैंड क्यों न्यूज में रहा, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ये वाला फर्स्ट वाला काट दो, इसमें फर्स्ट वाला काट देते, ठीक है।
यहां पर इसे याद रखना है कि नीदरलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला नीदरलैंड पहला कंट्री है। और ताइवान अभी ये रिसेंट न्यूज में रहा कि फर्स्ट इन एशिया, मतलब एशिया का पहला देश जिसने कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया वो ताइवान है। और ओवरऑल देशों में बात करते तो नीदरलैंड पहले नंबर पर है। इसके अलावा याद रखना वर्जिल वैन डिजिक वॉन द यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये नीदरलैंड से ही है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। आइसलैंड क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट ग्लेशियर है उन्होंने लॉस कर दिया, इसका नाम ओग्जोकुल इसका नाम है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज भैया जो ओग्जोकुल जो ग्लेशियर है वो उन्होंने खो दिया। तो ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। आइसलैंड कमेमोरेटेड लॉस ऑफ फर्स्ट ग्लेशियर ओग्जोकुल एंड लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आइसलैंड की कैपिटल रेकजाविक है और करेंसी यहां पर कोरोना चलती है। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगे। यार गाइस सेशन को लाइक भी करते चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से यहां पर लाइक भी करते चलेगा। ठीक है, फटाफट इसको जरा लाइक भी करते चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। With which country Union Cabinet has approved the proposal for agreement on science and technology cooperation? किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में अनुबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर बनता है ये मेरा भाई, आंसर रहा है यूएसए। यूएसए के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहां पर समझौता किया गया है। अब बाकी के देश क्यों न्यूज में रहे, जरा इस पर फोकस करना। इंडिया डे कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, सऊदी अरब में। It will allow women to obtain passport and travel abroad without approval from a male guardian. पहले मेल गार्जियन से अप्रूवल लेनी थी अगर इन्हें अब्रॉड जाना होता था, अब इनको अप्रूवल लेने की यहां पर जरूरत नहीं है। To allow women to obtain passport and travel abroad without approval from a male person. UK, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हैं, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। और जो लूसी ब्रॉन्ज है, इन्होंने यूईएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और ये यूके से है। सस्त्रा रामानुजम प्राइज फॉर 2019 दिया गया मैथमेटिशियन एडम हार्पर को, और ये भी कहां से है, यूके से है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। 20th इंडिया रशिया समिट अभी व्लादिवोस्तोक में रहा था। 1 बिलियन इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर अप्रूव की है, किस चीज के लिए, रशिया के फार ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रशिया के एकतरिनबर्ग में रही थी, लुइस हैमिल्टन इन्होंने 2019 रशियन ग्रैंड प्री का टाइटल भी जीत लिया है। ठीक है, अरे न्यूज डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो मेरे भाई, न्यूज भी डिस्कस करेंगे। अभी कल के एमसीक्यूज तो कवर कर लें डिटेल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है, तो इस देश का नाम है सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है रॉफ गोंसाल्विस। अभी ये इंडिया में विजिट पर भी आए थे। बाकी का जरा यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट, किस दिन को राजस्थान के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में चौथा आयुर्वेद दिवस आयोजित किया गया। अच्छा, किस दिन राजस्थान के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में चौथा आयुर्वेद दिवस आयोजित किया जाएगा। सो गाइस आंसर बनता है यह, आज की बात करते हैं 25 अक्टूबर की। ये 25 अक्टूबर को फोर्थ आयुर्वेद डे ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, सर अशोक गहलोत है। यहां के नए गवर्नर कौन बने, कलराज मिश्र यहां के नए गवर्नर बने हैं, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, यहां पर देख लीजिए बाकी के डे, 12 अक्टूबर 8 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1 अक्टूबर। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये मैं आपको पढ़ाया नहीं था, और इंटरनेशनल कॉफी डे आपका 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस ऑब्जर्व करते हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, इसकी 87th एनिवर्सरी ये रही थी। 25 अक्टूबर को फोर्थ आयुर्वेद डे ये ऑब्जर्व किया गया राजस्थान के जयपुर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में इसको लेकर एक फंक्शन भी रहा। ठीक है, यहीं पर ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड, ये 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया, ये सेकंड सैटरडे इन मई और सेकंड सैटरडे इन अक्टूबर ये ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप सो गाइस यहां तक भी क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। किसने ई कॉमर्स पैकेजों के अंतर शहर परिवहन के लिए एक पायलट कार्यक्रम के लिए भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है, तो इसका नाम है अमेज़न इंडिया। अमेज़न इंडिया ने यह भागीदारी की है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 9 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली फर्स्ट कंपनी बन गई है। 8 लाख करोड़ के एम कैप को पार करने वाली यह पहली कंपनी यही थी। मतलब अभी अगस्त लास्ट ईयर की बात करें तो 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली कंपनी भी पहली ये थी, और 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली कंपनी भी यही है। इसके अलावा याद रखना फ्लिपकार्ट है, इसने डिसाइड किया है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल बैन कर देगा पैकेजिंग में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फर्स्ट कंपनी है जिसने की मार्केट कैपिटलाइजेशन 9 लाख करोड़ का पार किया। इसके अलावा 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भी कंपनी यही है। रिलायंस जियो है, इसने पार्टनर के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना कि रिलायंस जियो ने किसके साथ एक समझौता किया है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो वन बनता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही समझौता किया गया। नेक्स्ट, वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टॉकहोम में
आर्थिक औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए 19वें इंडो स्वीडिश संयुक्त आयोग में भाग लिया, वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? तो दोस्तों आंसर बनता है राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ही राज्यसभा सांसद है। आखिरी सवाल, किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का कौन करेंगे? यहां पर एक कौन, यहां पर जो नाम एक देखिए, नॉन अलाइड एक मूवमेंट है, इसका जो 18th समिट है वो कहां पर होने जा रहा है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा, ये आज से शुरू होगा और इसे इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे एम वेंकैया नायडू। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, करेंसी यहां पर मनत चलती, मुद्रा यहां पर मेरे भाई मनत चलती है। नेक्स्ट, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सबसे पहली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी ऑन टू डे विजिट टू सऊदी अरब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे, दो दिवसीय दौरे पर ये रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना, ये तो क्लियर हो गया, सऊदी अरब कैपिटल रियाद है, करेंसी रियाल है, वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट रहेगा रियाद में, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रुपए कार्ड को भी सऊदी अरब में लॉन्च करेंगे। अभी तक क्या था मेरे भाई, देखिए एक बात समझना, ये जैसे वीजा है, मास्टर कार्ड है, ये जितने भी गेटवे है ना, होता क्या है, हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसका सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को, इन सभी को पे करना पड़ता है, तभी तो गवर्नमेंट हमसे कार्ड वगैरह के लिए एक सर्टेन अमाउंट लेती है, समझते हैं ना आप लोग। तो ये हम लोग जब भी वीजा करते हैं तो क्या हमें हर ट्रांजेक्शन पे करना पड़ता है? नहीं, बट ये गेटवे हम दूसरी कंपनीज के, दूसरे देशों के ये कंपनीज के गेटवे यूज कर, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, इस तरीके से हम लोगों ने खुद का गेटवे लॉन्च किया रुपए, और इसी को हम ग्लोबली भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हमने सऊदी अरब में लॉन्च किया, यूएई में लॉन्च किया, सऊदी अरब में करने जा रहे हैं, यूएई में हम लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट, एन इंडियन हिस्टोरियन, एजुकेशनलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट और पद्मश्री रिसिपेंट काशीनाथ पांडेज न्यू बुक एंटाइटल 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पब्लिश्ड बाय एकेडमिक फाउंडेशन। भारतीय इतिहासकार, शिक्षाविद और पद्मश्री प्राप्तकर्ता काशीनाथ पंडित की नई पुस्तक 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एकेडमिक फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। मुद्दे की बात पर आता हूं तो बुक का नाम आएगा और ये किसके द्वारा लिखी गई, सबसे पहले बुक का नाम याद रखना है, यहाँ पर आपको 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ये किसके द्वारा लिखी गई, काशीनाथ पंडित के द्वारा लिखी गई। ये जो हमारी एप्लीकेशन है अड्डा 24/7, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और आप हमारे ब्लॉग पे, वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, अड्डा 247 www.currentaffairs.adda247, इस पर भी आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इनकेस जैसे अब दिवाली का टाइम होगा तब हम लोग वीडियोज नहीं कर पाएंगे, तो आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सारी भाई एक बार न्यूज के गो थ्रू हो लिया करिए, डिटेल में तो हम एनालिसिस करते हैं, वहां पर आप बिल्कुल इसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 63rd इन वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। 2014 की बात करें, 140 से ऊपर इंडिया की रैंकिंग, 142वें स्थान पर था, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इंडिया 100वें नंबर पे आया, फिर 73 प्लेस पे आ गया, अब और फायदा के, और 77 प्लेस पे आ गया था, 77th पे, अब यहां पर 14 स्थान का और फायदा हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63rd प्लेस पे आ गया, मतलब दूसरे देश की जो कंपनीज हैं जो यहां पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनको कितनी आसानी होती बिजनेस सेटअप करने में मामले में, तो पहले 142वें स्थान पर था, अब अगर हम बात करते 2014 से 2019 के बीच की तो इंडिया यहां पर आ गया है 63rd स्थान पर। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है सर डेविड मलपास, 13वें नंबर के प्रेसिडेंट है, 189 कंट्री इसकी मेंबर है और नॉरू इसका 189th मेंबर है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, सर इसे टॉप किसने किया है? आई डोंट नो मेरे भाई, कैसे, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे किस देश ने टॉप किया है ये आपको आंसर करना है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है, इसी का एक प्लेयर है ब्रेंडन मैकुलम, इन्होंने रिटायरमेंट अभी अनाउंसमेंट कर दिया था। अभी ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2019 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया, इसमें इंडिया की रैंकिंग 68th रही है। अच्छा, हंगर इंडेक्स की बात कर लेते तो हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 102 रही, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 102, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को फुल रखें। मोहन बगान एथलेटिक क्लब कंफर्ड लाइफ मेंबरशिप टू नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी। मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को आजीवन सदस्यता प्राप्त, आजीवन सदस्यता दी है। सिंपल शब्दों में सवाल बनेगा कि मोहन बगान एथलेटिक क्लब ने नोबेल पुरस्कार विजेता किस व्यक्ति को आजीवन सदस्यता अभी प्रदान की है, तो आंसर बनता अभिजीत बनर्जी को। किसको? अभिजीत बनर्जी को। इसके अलावा मेरे भाई, मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल है कि नोबेल लॉरेट 2019 के कौन कौन है? एग्जैक्ट लिस्ट तो मेरे को भी अभी याद नहीं है। नोबेल प्राइज विनर की बात करें तो मेरे भाई आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन नोबेल प्राइज विनर है। जहां तक मुझे याद है, कुछ कुछ तो मुझे भी याद है, बट अगर आप बता पाएंगे तो बेहतर रहेगा। कमेंट बॉक्स, फिजिक्स में किसको दिया गया नोबेल प्राइज? ओके,
फटाफट फटाफट आंसर करें, फिजिक्स में किसको दिया है? सर पीबल्स मेयर और क्यूलॉस को, पीबल्स मेयर और क्यूलॉस को सर फिजिक्स में दिया गया था। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आगे बताइए फटाफट बताइए। फीबल्स मेयर और क्यूलॉस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किस किस को दिया गया? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किस किस को दिया गया था? ओके, मुझे लग रहा है यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा है, पता क्लियर नहीं है सभी को। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक सेशन अलग से इस पर डिजाइन करेंगे और डिटेल में देखेंगे क्या फिजियोलॉजी और मेडिसिन में क्या भाई कैलिन रेडक्लिफ सेमेंजा को दिया गया था, ये आपको आंसर करना है। इसके अलावा केमिस्ट्री में किसको दिया गया था? केमिस्ट्री में किसको दिया गया था मेरे भाई, ये आपको आंसर करना है। क्या इसमें विटिगम थे, याशिनो थे, या इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम मैं भी स्किप कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई लिटरेचर में 2018 के लिए किसको दिया गया, 2019 के लिए किसको दिया गया? जो का अलार्थी को 2018 के लिए दिया गया, पीटर हैंडके को 2019 के लिए दिया गया। पीस में किसको दिया गया है? अभी अहमद अली को दिया गया, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर है। ये सारी चीजें आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया, गुड इनफ, गुड इनफ इनका नाम है जिनको केमिस्ट्री में दिया, गुड इनफ, विडिगम और याशिनो, इन तीनों को ये दिया गया था। नेक्स्ट मेरे भाई, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हैज सेलिब्रेटेड इट्स 58th रेजिंग डे ऑन 24th अक्टूबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 24 अक्टूबर को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। आईटीबीपी ने अपना 58th रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया? 24 अक्टूबर को, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल साहब हैं, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 24 अक्टूबर 1962 को इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसी 24 अक्टूबर को हमने 58th रेजिंग डे बनाया आईटीबीपी का। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी है इज टू कंडक्ट एक्सरसाइज सिंधु सुदर्शन, इसका नाम है सिंधु सुदर्शन, इज इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान फ्रॉम 29th नवंबर टू 4th दिसंबर। भारतीय सेना राजस्थान के रेगिस्तान में 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक सिंधु सुदर्शन अभ्यास शुरू कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन आर्मी के चीफ का नाम क्या है? विपिन रावत है। आर्मी डे 15th ऑफ जैन को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एयरफोर्स डे आपका 8th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और एयरफोर्स चीफ का नाम है आरकेएस भदौरिया। इसके अलावा नेवी डे आपका 4th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और नेवी चीफ का नाम क्या है? करमबीर सिंह इनका नाम है। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम का सवाल बनते हैं, डे और ये इनके हेड कौन है। नेक्स्ट, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एंड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु वर नेम्ड दी एम्बेसडर फॉर भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव। भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी कि जो महिलाएं हैं उनके कार्यों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसके लिए बतौर ब्रांड एम्बेसडर इस इनिशिएटिव के लिए किसको चुना गया है? दीपिका पादुकोण को और इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को, ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पीवी सिंधु वैसे अभी जो वीजा प्लेटफॉर्म है उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पीवी सिंधु को। नेक्स्ट, वेटरन मुंबई ऑलराउंडर अभिषेक नायर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। मुंबई के दिग्गज ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए यही वह क्रिकेटर है जो कि आईपीएल सीजन जब शुरू हुआ था तो हिट थे, ऑलराउंडर थे, लगा था कि भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, बट उतार चढ़ाव रहे इनकी जिंदगी में, बट फाइनली ये एक तरीके से फिक्स कर पाए अपनी पोजीशन तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। आईपीएल में बहुत शानदार प्लेयर रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत शानदार प्लेयर रहे और उन्होंने जितने भी क्रिकेट के प्रारूप हैं उन सभी से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। नेक्स्ट मेरे भाई, वृद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज हैज सिक्योर्ड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वृद्धि फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारतीय रिजर्व बैंक से एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त किया है। सर एक चीज बताइए, मेरे को समझ में ये नहीं आता, ये एनबीएफसी होता क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मतलब होता क्या है, जरा ये समझाएंगे। देखिए दोस्तों, एक होता है बैंक और एक होता है एनबीएफसी। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने कहा देखो वो ना मेरे माँ जैसी है, तो क्या मेरे माँ है? नहीं, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मेरी माँ जैसी है। मैंने कहा देखो वो ना मेरे भाई जैसा है, क्या वो मेरा भाई है? मैं कहूंगा ना, उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मेरे भाई जैसी है। अब मैंने कहा कि वो मेरे इस जैसा है, इस जैसा मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, तो क्या वो वैसा है? नहीं मेरे भाई, उस जैसी कुछ सिमिलैरिटी है। एनबीएफसी बैंक जैसा है, क्या बैंक है? ना, उसमें बैंक जैसी कुछ सिमिलैरिटीज है, क्या है वो जरा देखते हैं। एक है बैंक और एक है मेरे भाई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक क्या होता है? सर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है। एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये एनबीएफसी बैंक होता है, ये डिमांड डिपॉजिट और मेरे भाई टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करता है, मतलब यहां पर
जैसे बैंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट ये सब ओपन किए जा सकते हैं। बट अगर एनबीएफसी की बात करते तो मेरे भाई ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता और टर्म डिपॉजिट करता। टर्म डिपॉजिट में भी बोला गया मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ, ये इसमें एक मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप बैंक में जाते हैं तो अपना पैसा जो होता है, जो आपका डिपॉजिट होता है ना, उस पर इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है। किसकी फैसिलिटी? इंश्योरेंस की फैसिलिटी। और ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता कौन है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। 1,00,000 रुपए तक का ये इंश्योरेंस देता है, जिसके ऊपर अभी मामला चल रहा है, सारा चीज है। एनबीएफसी में पैसा जमा करिए, DICGC वाली इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। DICGC वाली इंश्योरेंस की फैसिलिटी यहां पर नहीं दी जाएगी, इसे रट लेना मेरे भाई, ये सवाल पूछे जाएंगे। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 27 अक्टूबर। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, रट लेना। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं और ये 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब की बात करें 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा, छुट्टी रहेगी इस वजह से मैंने स्टे को इंक्लूड कर दिया है। एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेजेस, ये इसकी थीम रही थी। एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेजेस इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट मेरे भाई, ये पूरी लिस्ट है डे की अभी तक 24 अक्टूबर तक की, 25 अक्टूबर इसके अलावा और भी डे हैं। लियोपार्ड डे तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, इसके अलावा आयुर्वेद डे इंक्लूड कर दूंगा, ये आपका ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे ऐसे इंक्लूड कर देंगे, ऐसी लिस्ट मिलती रहेगी। अब बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विजय बैंक हेरिटेज म्यूजियम हैज बीन स्क्रीन को फुल रखिए, विजय बैंक हेरिटेज म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ विजय बैंक, दैट इज बेंगलुरु। विजय बैंक हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन विजय बैंक के भूतपूर्व मुख्यालय यानी कि बेंगलुरु में किया गया है। सिंपल शब्दों में विजय बैंक हेरिटेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया? तो विजय बैंक हेरिटेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन मेरे भाई बेंगलुरु में किया गया, रट लेना। कहां पर किया गया? बेंगलुरु में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। नेक्स्ट, आज का स्टेट है अपना उड़ीसा। उत्कल दिवस उड़ीसा डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर का नाम नवीन पटनायक है और गवर्नर के गणेशी लाल है। डीएलआर नंबर मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। कुल मिलाकर 30 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, 21 लोकसभा सीट है और यहां पर 10 राज्यसभा सीट है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल मतलब यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नहीं है, और असेंबली की सीट 147 है। चिल्का लेक जो कि फेमस लेक है वो आपकी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नंदनकाना जूलॉजिकल नेशनल पार्क है, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। चंडाका एलिफेंट, कोटागढ़, हदगढ़, ऊषा कोठी, कोशिया टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा राज्य में ही है। इसके अलावा मेरे भाई कुलदिया, कालासुनी और करलापाट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है KS झावेरी या कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। उड़ीसा की डांस फॉर्म याद रखें उड़ीसी है। हीराकुड डैम महानदी निवर पर बना हुआ है। फेमस टेम्पल में कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर किन किन से शेयर कर रहा है, एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन चार स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आई होप सो गाइस यहाँ तक भी सारी चीजें आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये है अपना आज का सेशन। आई होप सो सेशन आपको पसंद आया होगा। इवन गाइज जैसे भी एक दो वो रहे थे ऑप्शन चेंज थे, मैं PDF में बिल्कुल उसे करेक्ट करके दे दूंगा। दिवाली के दौरान भी आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी तो परेशान मत होइएगा, सुबह 7 बजे डेली जुड़ेगा। डेली कम से कम मैंने 15-15 क्वेश्चन का सेट बनाया है। जो न्यूज़ मैंने स्किप की थी, कहीं ना कहीं मेरे से नहीं कवर हो पाई थी, उन न्यूज़ को मैंने उन सेशन में आपके लिए रखा है। तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, जैसे इस सेशन को और वैसे ही उस भी सेशन को। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। Hi, my name is Abhishek Kumar and I have cracked SBI PO 2019 examination. I would like to thank Team Under 247 for providing excellent practice materials and test series. And for future SBI PO aspirants, I would recommend them that they take Under 247 practice materials. Hello students! Hopefully, आप लोगों का ये फेस्टिविटीज से भरा हुआ महीना बहुत अच्छा जा रहा है। प्रिपरेशंस के साथ साथ आप लोगों ने खूब सारी मस्तियां भी की होंगी। देखिए, खुशियां बढ़ती हैं बांटने से। अड्डा 24/7 दे रहा है आप लोगों को मौका अपनी खुशियों को बांटने और बढ़ाने का, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करना होगा और अपने रेफरल कोड को जनरेट करना होगा, और इस लिंक के जनरेट होते ही इसको अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और इसके बाद जब भी आपका कोई दोस्त इस लिंक को यूज करेगा आपको मिलेगा ये गिफ्ट। और ऐसा करने के बाद आप लोगों को बता दें कि जितने ज्यादा होंगे आपके रेफरेंस उतना ज्यादा होगा आपका पेटीएम मनी। तो स्टूडेंट्स, स्पिन किया क्या?